सोनभद्र के कोन थाना इलाके के पोखरिया में माता पिता और दो बच्चों के साथ बड़ी बहन के यहाँ शादी समारोह में जा रही महिला तेज बारिश से बचने के लिए पुलिया के नीचे जा छुपी। थोड़ी ही देर में पानी के तेज बहाव से 22 वर्षीय महिला, उसके बेटे और अपनी बड़ी बहन के बेटे के साथ पानी में बह गई, जिससे इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता को पेड़ का सहारा मिलने के कारण अपनी जान बचा सके। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रॉबर्ट्सगंज जिला अस्पताल भेज दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और जिला प्रशासन से प्रयास कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कुलदीप, ये कुलदीप, क्या घटना हुई, कैसे हुई? सर, जा रहे थे झारखण्ड में, सर जाते घाट में एक पहाड़ है, उसी में एगो भाव था, भाव में लुका गए सर। ऊपर से पानी आया, लेते बहाव तो नीचे चला गए। तो कौन कौन था साथ में, कितने लोग थे? माँ पिताजी थे और ये तीनों लोग, बहन और दो भगनी। कहाँ जा रहे थे? झारखण्ड में मजरा ही जा रहे थे। क्या तो गर्भन था वहाँ पे? हाँ, ये लड़की का शादी से हो गया, शादी करने के लिए। कौन लड़की? अच्छा, इन्हीं का शादी करना? जी सर। ये आज सुबह की लगभग 9:30 बजे एक घटना हुई है थाना कोन में, चौकी पोखरिया में। एक 22 वर्षीय महिला जिसका नाम कौशल्या है और उसका एक बेटी थी नंदनी जिसकी 3 साल की उम्र थी, ये और एक अमित नाम का लड़का जो इसकी बहन का बेटा था उसकी लगभग 6 साल की उम्र थी, ये तीनों अपने कौशल्या के साथ अपने माता पिता के साथ ये जा रही थी। जवाहर और पनपतिया, ये इसके माता पिता का नाम है, रहने वाले माची के थाना, माची में बड़ेला गांव है, वहां के रहने वाले हैं। वहां से पहाड़ी से उतर के ये लोग झारखंड में नगर उटारी में एक शादी के कार्यक्रम में जाने के लिए निकले थे, तो जैसे ही बारिश होने लगी, तेज़ हो गई बारिश, तो वहां एक ब्रिज के नीचे एक पुलिया थी जो बड़ा सा पाइप था, उसके नीचे ये लोग बारिश से बचने के लिए उसमें बैठ गए। उसी वक्त वहाँ पाइप में ऊपर पहाड़ी से बहुत तेज़ी से बारिश का पानी तेज़ रफ्तार से वहाँ आने लगा, जिसमें ये कौशल्या और वो दोनों छोटे बच्चे साथ में ये बहाव में नीचे बह गए। नीचे बहुत बड़ी चट्टान थी और नीचे 2-2.5 किलोमीटर पानी के बहाव से ये चले गए, जिसमें इनके सर में और बॉडी पर काफ़ी गंभीर पत्थरों के चोट के निशान हैं और इसी में ये इनकी डेथ हो गई है। बाकी दोनों कौशल्या के माता पिता जवाहर और उनकी पत्नी, किसी चीज़ का सहारा उनको मिल गया तो वो लोग अपने आप को वहाँ रोक पाए और पानी के बहाव में वो बह नहीं गए। बहुत देर सर्च करने के बाद पुलिस और गांव वाले सब मिलकर सर्च किए तो उनकी डेड बॉडी वहाँ पर मिल गई तीनों की। पोस्टमार्टम के लिए उनको रॉबर्टगंज भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी और जिला मजिस्ट्रेट से भी बात करके जो भी मुआवजा उनको मिल सकता है परिवार